और फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ में और सबसे पहले बात जयपुर की करेंगे। जयपुर में मैराथन का आयोजन हुआ। मैराथन को सीएम भजनलाल ने हरी झंडी दिखाई। विभिन्न कैटेगरी में मैराथन का ये आयोजन हुआ और जिसमें भजनलाल मुख्यमंत्री राजस्थान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि युवा आज अपनी फिटनेस पर काम नहीं कर रहा, अपनी हेल्थ को तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन राजस्थान के युवाओं की विशेषता है कि वो देर रात तक जागते नहीं हैं, वो सड़कों पर दौड़ लगाते नज़र आते हैं। और युवाओं को फ़ोन में कम लगना चाहिए, देर रात तक कम जगना चाहिए, युवाओं को अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, युवाओं को सुबह दौड़ लगानी चाहिए, बच्चों को युवाओं को प्रेरित करते वो नज़र आए। मैराथन को हरी झंडी दिखाई, वो तस्वीरें भी आप लोग देख रहे हैं जब उन्होंने हरी झंडी दिखाई मैराथन को। तो देखिए तस्वीरें जिसमें सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और 10 किलोमीटर की ये मैराथन, 42 किलोमीटर दौड़े देश विदेश के रनर्स जयपुर मैराथन में। हाफ मैराथन और ड्रीम रन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। सीएम भजनलाल भी यहाँ पर पहुँचे। जयपुर मैराथन शुरू हुई और सबसे पहले 3 बजे 42 किलोमीटर की फुल मैराथन हुई। इसमें पुरुष कैटेगरी में श्रवण सिंह गोनीवाल ने पहला स्थान प्राप्त किया। महिलाओं में चात्रू ने जीत हासिल की। इसके बाद 7 बजे 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन रखी गई। इसके साथ ही 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की ड्रीम रन भी रखी गई। और ये 10 किलोमीटर की जो रन है उसकी वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और उसकी शुरुआत सीएम भजनलाल ने की है, जो कि तस्वीरों में भी आप फिलहाल देख पा रहे हैं। विभिन्न कैटेगरी में मैराथन का आयोजन यहाँ पर हुआ। 3 बजे से ये मैराथन शुरू हुई और इसमें सीएम भजनलाल हरी झंडी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। कई किलोमीटर की 43 किलोमीटर से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की ये रन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अभी फ़िलहाल ये 10 किलोमीटर के जो मैराथन रन थी उसको हरी झंडी दिखाते हुए नज़र आए मुख्यमंत्री भजनलाल। और युवाओं को प्रेरित उन्होंने किया, युवाओं को कहा कि उनको अपने हेल्थ पर फोकस करना चाहिए। देखिए अब 2 मैराथन की तस्वीरें आपके सामने हैं, एक जयपुर की और एक दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मैराथन का आयोजन हुआ। और देखिए आम तौर पर पूरे देश भर में आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने सभी लोगों को प्रेरित किया था कि वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, आपको अपनी हेल्थ पर काम करना चाहिए। और हम लगातार देख रहे हैं तब से कई मैराथन आयोजन होते रहे हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में। ये जयपुर की तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं जहाँ पर मैराथन का आयोजन हुआ और इसके साथ ही दिल्ली में भी मैराथन का आयोजन हुआ। तो फिलहाल ये जयपुर की तस्वीरें आपको देख रहे हैं जहाँ पर खुद सीएम भजनलाल भी पहुँचे और उन्होंने खुद लोगों को खूब प्रेरित किया। और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर। आज वर्ल्ड कैंसर डे भी है और उसके लिए आज अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है लोगों को। क्योंकि यूजुअली संडे में हमने देखा कई दफ़ा, एक बार हमारे ऑफिस के बाहर भी मैराथन हो रहा था, तो ऐसे अलग अलग आयोजन रहते हैं। साक्षी बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर और दिल्ली से, जहां पर एक तरफ आज वर्ल्ड कैंसर डे है और उसके लिए जागरूकता के लिए अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, जो टैबू कैंसर को लेकर क्रिएट किए गए हैं उसको ख़त्म करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। 24वां ये वर्ल्ड कैंसर डे होगा 2000 सन से हम सी कैंसर एक गंभीर बीमारी तो है ही। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, तो इस दिशा में इसको एक बड़ा अच्छा कदम माना जा रहा है। बिल्कुल, और फिलहाल मैराथन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ फिट इंडिया मूवमेंट लगातार गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है और फिलहाल अलग अलग राज्यों में मैराथन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं।